हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14, कंडीशन रिक्वेसिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, की प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हमको पहले चाहिए होती हैं। हमने इसमें सेक्शन नंबर 190 से 197 कवर कर लिया है ऑलरेडी, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है सेक्शन नंबर 198, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, कि मैरिज के अगेंस्ट में जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनमें कैसे कैसे प्रोसिक्यूशन होते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल कि हर कोई पर्सन कंप्लेन कर सकता है जिसको ऑफेंस की नॉलेज होती है कि भाई कोई ऑफेंस हुआ है। तो जनरल रूल तो यही होता है कि किसी भी पर्सन के पास जब नॉलेज होती है कि उनके आसपास एरिया में कहीं पे या फिर उन्होंने खुद ने ऑफेंस होते हुए देखा है, तो वो खुद जाके कंप्लेन करवा सकते हैं, चाहे वो इंटरेस्टेड उसमें हो या नहीं हो, या फिर वो उस ऑफेंस से अफेक्ट हुए हो या नहीं हो, वो लोग जाके कंप्लेन करवा सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन नंबर 198 है इसका एक्सेप्शन है। ऐसे केस में क्या होता है कि जो सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन होता है, मतलब जो कि ऑफेंस से अफेक्ट हुआ हो, वही पर्सन कंप्लेंट लिखवा सकता है। इसका रीड आउट कर लेते हैं हम। नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 20 ऑफ IPC एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑफेंस, कि जो पर्सन अग्रीव्ड होते हैं और जो भी चैप्टर नंबर 20 ऑफ IPC के ऑफेंसेस होते हैं, ऐसे केसेस में हमेशा अग्रीव्ड पर्सन ही कंप्लेंट लिखवा सकता है, इनके अलावा कोई और पर्सन कंप्लेंट नहीं लिखवा सकता है। लेकिन ये जो अब पॉइंट है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कौन कौन से केसेस में अग्रीव्ड पर्सन के अलावा भी कोई और पर्सन जो है वो कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। जैसे कि इसका जो प्रोविजन है इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ABC। ए में दे रखा है कि वेयर सच अ पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, कि जो पर्सन है जो कि अफेक्ट हुआ है अब उसकी एज जो है 18 साल से कम है, या फिर कोई इडियट है, या कोई लुनेटिक है, या फिर कोई सिख है, ठीक है, और कोई भी इन्फर्म है एंड इज अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट, मतलब उनकी इतनी वो नहीं है कि वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवा के आए, ठीक है, इन्फर्म है, लाइक पैरालाइज्ड समथिंग कुछ है, या फिर कोई भी वुमेन है जो कि उनके लोकल कस्टम्स ही ऐसे हैं कि वो कभी भी पब्लिक में अपीयर नहीं होती, अपीयर होती भी है तो वो हमेशा घूंघट में रहती है, किसी से बात नहीं करती है, जैसे पर्दा नशीन वुमेन होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कोई और पर्सन इनके बिहाफ पे कोर्ट से परमिशन लेके कंप्लेंट कर सकता है। तो इसमें कौन कौन से हो गया, एक तो अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, इडियट, लुनेटिक, सिक और इनफर्म, और एक वुमन जो कि अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम वो पब्लिक में अपीयर नहीं होती है, तो इनके बिहाफ पे कोई और पर्सन कोर्ट की परमिशन लेके कंप्लेंट करवा सकता है। तो अब ये जो सबसेक्शन 1 के प्रोविजो का क्लॉज ए है इसको हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3 के साथ, और इसको यूं पढ़ेंगे तो ये सेक्शन जल्दी कवर भी होगा और जल्दी समझ में भी आएगा। इसका सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि ये जो माइनर है जो 18 साल से कम है या फिर जो लुनेटिक है, ऐसे केसेस में अगर उनका कोई भी गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है, तो ऐसे केस में सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो इनको दी जाएगी कंप्लेन करने की। अगर इनके अलावा कोई और पर्सन आता है कि हमको उनके बिहाफ पे कंप्लेन करनी है, आप हमको परमिशन दे दो, तो एक नोटिस तैयार किया जाएगा, एक नोटिस भिजवाया जाएगा गार्जियन को कि भाई आपके अलावा कोई और पर्सन कंप्लेन करना चाहता है तो प्रायोरिटी पहले आपको है कि आप कंप्लेन करवा दो। ये कौन से केसेस में होता है, माइनर के केस में होता है, लुनेटिक के केस में होता है। अब हम सबसेक्शन 1 के प्रोविजो का क्लॉज बी पढ़ते हैं, वेयर अ पर्सन इज द हस्बैंड एंड ही इज सर्विंग इन एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, कोई भी जो इसमें अग्रीड पर्सन है वो है हस्बैंड है और वो आर्मी फोर्सेस के अंदर है, ठीक है ना, और उनके जो कमांडिंग ऑफिसर्स है वो इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो उनको लीव नहीं दे रहे हैं कि भाई आप जाके कंप्लेन करके आ जाओ, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अभी सिचुएशन थोड़ी ऐसी सही नहीं है यूनियन में कि हम आपको छुट्टी दें। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो जो हस्बैंड है किसी और पर्सन को ऑथराइज कर देगा इन राइटिंग कि भाई आप मेरे बिहाफ पे जाके कंप्लेन कराओ। अभी जो प्रोविजो का हमने क्लॉज बी पढ़ा है इसको हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 4 के साथ, 4 और 5 दोनों के साथ पढ़ेंगे। इसमें बोलता है, 4 में बोलता है कि
वो जो ऑथोराइजेशन होता है कि हस्बैंड किसी और को ऑथोराइज कर रहा है, तो वो ऑथोराइजेशन इन राइटिंग होना चाहिए और उस पर उसके सिग्नेचर होने चाहिए। जो हस्बैंड है उनके सिग्नेचर होने चाहिए उसके ऊपर, और उसमें पूरी स्टेटमेंट्स लिखी होने चाहिए, जो भी एलिगेशंस है, जो भी कंप्लेन में करना है कि उन्होंने उनको अच्छे से समझा दी है। और वो जो ऑथराइजेशन है उस पर काउंटर साइन होनी चाहिए उनके कमांडिंग ऑफिसर के, कि और कि भाई अभी हम इनको लीव नहीं दे सकते। उनके साथ वो सर्टिफिकेट भी लगा के देंगे कि अभी हम इनको लीव नहीं दे सकते हैं कंप्लेन करने के लिए, तो इसलिए इन्होंने किसी और पर्सन को ऑथराइज कर दिया है। उसका सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है, ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है, इसको हम मतलब डीम टू बी जेन्युइन मानेंगे, इसको प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन है कि जो डॉक्यूमेंट है एकदम बिल्कुल जेन्युइन है, जब तक इसको कॉन्ट्रैरी इसको प्रूव ना कर दिया जो कि वो जेन्युइन नहीं है, तब तक हम उस डॉक्यूमेंट को जेन्युइन ही मानते हैं कोर्ट, और उसको एविडेंसेस में ले लिया जाता है। अब जो प्रोविजो है इसका थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि कोई भी पर्सन है वो अग्रीव्ड है, ठीक है ना। ये जो सेक्शन नंबर 494 और 495 बताए हुए हैं आईपीसी के, 494 कहता है कि मैरिज अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, और 495 कहता है मैरिज बाय कंसीलिंग द फर्स्ट वन, की पहली शादी को छुपा के वो कोई दूसरी शादी कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर जो अग्रीड पर्सन है वो वाइफ है, तो उनके बिहाफ पे के जो कंप्लेंट है वो कौन कर सकते हैं, उनके फादर कर सकते हैं, मदर कर सकती है, उनके भाई या बहन कर सकते हैं, उनके बच्चे भी कर सकते हैं वो कंप्लेंट, या फिर जो फादर्स और मदर्स ब्रदर सिस्टर, जैसे कि कोई भी चाचा है मामा है, तो वो लोग कंप्लेंट कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द वाइफ इन द केस ऑफ सेक्शन नंबर 494 एंड 495 इफ द अग्रीड पर्सन इज अ वाइफ। और कोई और पर्सन भी जो कि वाइफ से रिलेटेड है बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन, वो कोर्ट की परमिशन लेके कंप्लेंट कर सकते हैं ऐसे केसेस के अंदर। इसका सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि कोई भी जो ऑफेंसेस होते हैं 497 और 498 के, तो ऐसे केसेस में जो अग्रीड पर्सन होता है वो हमेशा वाइफ का हस्बैंड ही होता है, और कोई पर्सन अग्रीड हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो सेक्शन नंबर 497 है इसको हटा दिया गया है, और इसको इसी रीजन से हटाया गया था कि जो अग्रीड पर्सन होता है वो सिर्फ हस्बैंड होता है। ये कौन से केस में था, जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का केस था, इसमें सेक्शन नंबर 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। इस पे सब सेक्शन 6 में ये बोलता है कि अगर ऑफेंस 376 का है ऑफ आईपीसी, तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा अगर जो वो वाइफ है उसकी एज 18 ईयर से कम है और ऑफेंस जो हुआ है उससे 8 साल हो चुका है, मतलब 8 साल के अंदर तो उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करवाई, 8 साल बाद में जाकर वो कंप्लेन करवाते हैं, तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट होते हैं वो कॉग्निजेंस लेने से मना कर देते हैं। और लास्ट में ये बोल रहे हैं कि इस सेक्शन के जो प्रोविजंस होते हैं वो अबेटमेंट अटेम्प्ट पे भी एप्लीकेबल होते हैं। अब आती है बात सेक्शन नंबर 198A, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो सबसे पहले 498 है क्या, 498 क्रुएल्टी का मैटर है, जब हस्बैंड या उनके जो रिलेटिव होते हैं वो वुमेन के साथ क्रुएल्टी करते हैं, तो 498A में पनिश किया जाता है उस पर्सन को। तो इसमें क्या कहते हैं कि नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी एक्सेप्ट अपन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। दैट मीन्स जो पुलिस ऑफिसर है वो चालान पेश कर देता है कि हाँ कोई ऑफेंस हुआ है, तभी कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेता है, या फिर जो कंप्लेंट होती है वो कौन करता है, अग्रीड पर्सन करता है, मतलब वो वुमेन खुद जाकर कंप्लेंट करे, अगर वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो खुद जाकर कंप्लेंट करे, तो उनके फादर और मदर, ब्रदर सिस्टर, और बाय हर फादर्स मदर्स ब्रदर और सिस्टर, मतलब मामा मामा या चाची, मतलब चाचा, वो लोग कर सकते हैं विद द लीव ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की परमिशन से, मतलब कोर्ट की परमिशन किनको लेनी पड़ेगी, कोई भी जो पर्सन ब्लड रिलेशन में, मैरिज के रिलेशन में है, फिर अडॉप्शन है, तो उनको कोर्ट की परमिशन लेके करना पड़ेगा कंप्लेंट, और ये जो बाकी फादर मदर सिस्टर और ये सब है इनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। ये बात थी सेक्शन नंबर 498A की, जो कि क्रुएल्टी का मैटर होता है, इसमें या तो पुलिस रिपोर्ट पे होगी या फिर जो कंप्लेंट है वो कौन कर सकते हैं, वो जो भी पर्सन इस पे बता रखे हैं। अब आती है 198B, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। इसमें बोल रहा है नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376B ऑफ आईपीसी। अब 376B क्या है, 376B से सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन,
तो ऐसे केसेस में कोर्ट कभी भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है अगर वो जो पर्सन से मैरिटल रिलेशनशिप में होते हैं, एक्सेप्ट इसका एक्सेप्शन दे रखा है इसके अंदर कि अगर प्राइमा फेसाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है और उनके पास कंप्लेंट आती है इस रिगार्डिंग में बाय दी वाइफ, तब वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और जो ये सेक्शन नंबर 198 है, इट वॉज एडिड बाय 2013 अमेंडमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी। ऑलराइट, अब बात आती है सेक्शन नंबर 199, प्रोसिक्यूशन फॉर डिफामेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट तो जनरल डिफामेशन की बात करता है, और सेकंड जो इसका पॉइंट है वो बात करता है स्पेसिफिक किन किन लोगों की डिफामेशन होती है तो पनिशमेंट होता है। ठीक है, तो डिफामेशन जो है ये कौन सी सेक्शन में, कौन सी चैप्टर में है आईपीसी में, ये है 499 to 502 ऑफ चैप्टर नंबर 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो इसका जो सबसेक्शन 1 है वो तो बात करता है कि जो डिफामेशन होता है पर्सन्स का इन जनरल है, मतलब जनरल जो लोग होते हैं अगर उनकी डिफामेशन होता है तो इसका सबसेक्शन 1 अट्रैक्ट होगा। सबसेक्शन 2 उसका कब अट्रैक्ट होता है, जब जो डिफेमेशन होता है तो स्पेसिफिक जो पर्सन पर्टिकुलरली बता रखे हैं इस सेक्शन में उन लोगों की होती है। तो अगर जो पर्सन इन जनरल है इनकी डिफेमेशन होती है तो कोई भी पर्सन कंप्लेन कर सकता है, अग्रीड पर्सन जो होता है वो कंप्लेन कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो पर्सन है डिफेम्ड हो। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कोई वुमन है उसका डिफेमेशन किया है किसी ने, और जो वुमन है वो किसी की वाइफ है, तो ऐसे केस में अग्रीड पर्सन कौन है, उनका हस्बैंड है, तो जो हस्बैंड होते हैं वो कंप्लेन करवा सकते हैं। या फिर सेम विद द केस ऑफ लाइक फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो ये लोग भी जो क्या होते हैं, जो कि साथ में रहते हैं, ये लोग भी जाके कंप्लेन करवा सकते हैं। ये होता है जनरल कैटेगरी की बात होती है ये। इसको हम रीड आउट कर लेते हैं एक बार। नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेन मेड बाय सम पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑफेंस, कि जो पर्सन अग्रीव्ड है उसी को कंप्लेन करनी पड़ेगी। इसका प्रोवाइडेड बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स है, या इडियट है, या लुनेटिक है, सिक है, इनफर्म है, जो कि कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई भी वुमेन है जो कि अकॉर्डिंग टू कस्टम पब्लिक में नहीं आती है, वो पर्दा नशीन है, तो ऐसे केसेस में उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन कोर्ट की परमिशन लेके कंप्लेन कर सकता है। जो कि अभी मैंने वाइफ हस्बैंड वाइफ वाला एग्जांपल दिया था, मतलब इसमें है कि कोई और पर्सन कोर्ट की परमिशन लेके कर सकता है, लेकिन इसका जो सबसेक्शन 2 आता है, इस केस में कोई और पर्सन कंप्लेन नहीं कर सकता, जिसका डिफेमेशन होता है वो ही कंप्लेन करवाते हैं। तो बेसिकली जो सबसेक्शन 2 है ये सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अगर जैसे डिफेमेशन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, और मिनिस्टर ऑफ द यूनियन स्टेट और ऑफ अ स्टेट, तो और ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, तो अगर या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो अपनी लाइक पब्लिक फंक्शंस को अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते टाइम पे अगर उनकी कोई भी डिफेमेशन होती है, तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट ऑफ सेशन है उनके पास पावर आ जाती है कि वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऐसे मैटर में, और वो जो कंप्लेंट होती है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करवाते हैं, वो जो कंप्लेंट होती है इन राइटिंग होनी चाहिए। सो गाइस दिस इज जो ये जो पॉइंट है ये एक्सेप्शन है। हमने पहले पढ़ा था सेक्शन नंबर 193 में कि जो कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, उनको जो केस होता है वो कमिट किया जाता है बाय द मजिस्ट्रेट। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कॉग्निजेंस लेंगे, तो ये ही एक एक्सेप्शन है टू द सेक्शन नंबर 193 कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, वरना वो नहीं ले सकते हैं। जब मामला आता है डिफेमेशन टू दी लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, ये जो लिस्ट है, और इन लोगों की कोई भी डिफेमेशन होती है जब भी अपने पब्लिक फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं उस टाइम पे, तो ऐसे केस में उनको पावर मिल जाती है डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने की, और जो कंप्लेंट है वो कौन करेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे इन राइटिंग। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेन करते हैं तो उनको भी पहले प्रीवियस सेशन लेने की ज़रूरत है। अगर मामला स्टेट गवर्नमेंट का है,
जैसे कि अगर डिफेमेशन गवर्नर की हुई है, ठीक है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट या फिर मिनिस्टर ऑफ दैट गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन लेने की ज़रूरत है, या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो कि स्टेट के अफेयर्स में है, इन्वॉल्व है, या फिर स्टेट के लिए जो काम करता है पब्लिक सर्वेंट, उनकी डिफेमेशन होती है तब भी स्टेट गवर्नमेंट से प्रीवियस सेंशन लेने की ज़रूरत है। बाकी के जो केसेस होते हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रीवियस सेंशन लेने की ज़रूरत होती है। इसका सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा अगर जो कंप्लेंट है वो 6 महीने बाद में की गई है, मतलब जिस दिन ऑफेंस हुआ है उसके 6 महीने बाद में जाके अगर कंप्लेंट की गई है तो कोर्ट ऑफ सेशन विल रिफ्यूज टू टेक द कॉग्निजेंस ऑन दैट कंप्लेंट। यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के मजिस्ट्रेट्स हैं वो इसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, अगर उनके पास कंप्लेंट जाती है तो वो उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ये बोलता है सबसेक्शन 6। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 14, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 190 से 199 तक कवर किया है। 190 में हमने पढ़ा था कि जो मजिस्ट्रेट्स की कॉग्निजेंस पावर पड़ी थी, कि मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेबल जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ 190 के अंदर है। वो किन किन चीज़ों पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं, एक तो कंप्लेंट है, पुलिस रिपोर्ट है, और दूसरा है कि उनको कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है अदर देन द पुलिस ऑफिसर्स, और या फिर उनकी नॉलेज में कहीं है कि कहीं पे कोई ऑफेंस हो, तो डायरेक्ट सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है। और वो कॉग्निजेंस कौन ले सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कॉग्निजेंस ले सकता है जब वो स्पेशली एम्पावर्ड हो बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, ही कहता है सेक्शन नंबर 190। इसको हमने और डिटेल में पढ़ा था जब मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि सिर्फ सेक्शन नंबर 190 के ऊपर था, उसमें हमने पूरा डिटेल में इसको पढ़ा था विद द केस लॉज। सेक्शन नंबर 191 ही बोलता है कि कभी भी जैसे कि इन्फॉर्मेशन आती है मजिस्ट्रेट के पास, या फिर उनको खुद सुओ मोटो अगर वो एक्शन लेते हैं तो उनको जो अक्यूज्ड है उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप ये जो केस है किसी और मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो अगर वो बोलता है कि हाँ मुझे केस ट्रांसफ़र करवाना है, तो वो जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताते हैं उस मजिस्ट्रेट के पास वो केस ट्रांसफ़र हो जाता है। 192 ये बोलता है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो किसी भी केस में कॉग्निजेंस लेने के बाद उस केस को अपने किसी भी सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यही चीज़ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो भी कर सकते हैं, और वो जिसको देंगे वो स्पेशली एम्पावर्ड होना चाहिए बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 193 ये बोलता है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है उनके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर नहीं होती है, वो सिर्फ वही केसेस दे सकते हैं जो कि उनको मजिस्ट्रेट कमिट करते हैं, ठीक है। फिर 194 ये बोलता है कि जो ये एडिशनल सेशन जज है, असिस्टेंट सेशन जज है, ये डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ उन्हीं केसेस को देखते हैं जो इनको सेशन जज देते हैं बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर, और जो हाईकोर्ट देते हैं इनको बाय स्पेशल ऑर्डर। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 195, जिसमें कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये जो कोर्ट के टाइम पे जो एविडेंसेस वो कोर्ट में देते हैं जिससे कि वो प्रोसीडिंग्स में यूज़ हो सके, इसमें हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 193 से 196, और फॉर्जरी का भी था इसके अंदर। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो लाइक कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोर्ट है वो ही कंप्लेन करवा सकते हैं इन राइटिंग, या फिर उनके जो जिनके वो एडमिनिस्ट्रेटिव सबॉर्डिनेट है वो करवा सकते हैं, और वो जो कंप्लेंट होती है विदड्रॉ भी हो सकती है, ठीक है। वो जो विदड्रॉल है वो होती है ट्रायल के कॉन्क्लूजन के पहले पहले हो जानी चाहिए, उसके बाद में वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। इसके बाद में 195A है, जब IPC के सेक्शन नंबर 195A के अंदर कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसकी जो कॉग्निजेंस होती है वो 195A के अंदर यहाँ पे ली जाती है। इसमें विटनेसेस को डराया धमकाया जाता है जिससे कि वो कोई भी स्टेटमेंट दे दे। फिर 196 के अंदर है कि अगर कंप्लेंट करनी है, ये जो पर्टिकुलर केसेस बता रहा थी, कंप्लेंट करने के लिए पहले सेंक्शन लेने की ज़रूरत होती है। फिर 197 प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेज एंड पब्लिक सर्वेंट्स की बात करते हैं ये। 199 से अभी हमने पढ़ा ही है कि प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, इसमें जो जनरल रूल तो यही है जो अग्रीड पर्सन है वो कंप्लेन करवाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन इसमें दे रखा है कब कोई और पर्सन कंप्लेन करवा सकते हैं। इसमें हमने 198A और 198B भी पढ़ा था। 199 पढ़ा था प्रोसिक्यूशन फॉर डिफामेशन, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला वाला तो जो जनरल डिफामेशन होता है, जनरल पब्लिक की जो डिफामेशन होती है उस बारे में डील करता है,
और जो सेकंड पार्ट है वो डिफेमेशन कुछ स्पेसिफिक जो पर्संस पर्टिकुलर पर्संस इसमें बता रखे हैं उनके डिफेमेशन की बात करता है। और 199 के सबसेक्शन 2 के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल पावर दे रखी है कॉग्निजेंस लेने की, वरना और ये जो पावर इनको और कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यही है, बाकी तो हमेशा इनको केस कमिट ही किए जाते हैं बाय दी मजिस्ट्रेट। सो दिस वॉज इट अबाउट चैप्टर नंबर 14। इसको मैंने एक समरी वे में सारे जो सेक्शन है वो बता दिए हैं। नाउ वी विल डिस्कस द फर्दर चैप्टर्स ऑफ दिस लाइक सीआरपीसी इन फर्दर वीडियोज।